आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बोलने की कि हमारी अपनी नागरिकता प्रूव करो? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद वॉइस में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बात करूँगा, एक शख्स साथ है मेरे, मैंने 3 दिन से यहाँ लगातार बैठे हुए देखा है। हम यहाँ आते हैं और ख़बर करके चले जाते हैं, लेकिन एक सिंगल बंदा कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ? पीछे एक इन्होंने अपने हाथों से एक स्केच बनाया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है इस बोर्ड पर। NRC है, जिसमें CAB यानी सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है, और PSA यानी कि जो कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो कश्मीर में जिसे उमर जो फारूक अब्दुल्ला है उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया था उसमें, और धमकी दी गई थी महबूबा मुफ्ती को कि अगर आपने अपनी ज़ुबान खोली या कुछ किया, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है, हमारा उसमें कहना नहीं है, तो आप पर वो एक्ट लगाया जाएगा। लेकिन ये तीनों चीज़ें इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर आप नागरिक हैं और आपकी नागरिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए तो आप सरकार से फिर कोई सवाल नहीं कर सकते। अगर आपको डिवाइड कर दिया जाए पब्लिक सेफ्टी के नाम पर, पब्लिक सेफ्टी पर पब्लिक को ही उठा लिया जाए, फिर आप किससे क्या डिमांड करेंगे, क्या सवाल करेंगे? ये बहुत परेशान है ये शख्स इन चीज़ों को लेकर। खासकर इनसे बात करेंगे, कहाँ से आए हैं, दिल्ली क्यों बैठे हैं और सिर्फ अकेले बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम गौरव जैन है। गौरव जैन, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। आप दिल्ली से ही हैं? क्या लगा आपको कि इन पर बात होनी चाहिए? आप अकेले आए, हाथों से कोई, आपने कहीं से कोई बैनर नहीं छपवाया, खुद ही अकेले बैठ गया? बैनर छपवाने में पैसे लगते हैं ना, उतने हैं नहीं। और मेन बात यह है कि देखिए, कश्मीर में जो धारा 370 थी वो 5 अगस्त को हटाई गई थी, तो अभी 2 महीने से ज़्यादा हो गए, 2 महीने और मेरे ख्याल से 5-6 और दिन। हाँ, तो इतने महीनों से मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा था कि वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अब, पहले तो चलो उनका एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी था, लेकिन अब तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन से उसी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आते हैं, जिस उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूशन में हम आते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। तो एक तरफ तो आपने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया, और दूसरी तरफ वही कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स देता है हमें, वो उनसे छीन लिए। ना उनके पास घूमने फिरने की आज़ादी है, ना उनके पास बोलने की आज़ादी है। अगर उन्होंने हल्का सा आवाज़ उठाने की हिम्मत भी करी तो आपके पास ये इतना ख़तरनाक ब्रह्मास्त्र है, हथियार है PSA का, तो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रहे नहीं। फंडामेंटल राइट्स जो हमारा ये जो मैंने प्रोटेस्ट का नाम भी रखा है, सिविल लिबर्टीज़ जो एक नागरिक को मिलती हैं, वो आज की डेट में कश्मीर के नागरिकों को नहीं है, आज की डेट में असम के नागरिकों को नहीं है, सभी नागरिकों को नहीं, मतलब जो एक इन्होंने NRC उसके बारे में भी मैं बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन एक कॉमन थ्रेड जो मैंने इन 3 कानूनों में जो देखता हूँ वो ये है कि वो एक हमारे सिविल लिबर्टीज़ पे एक आघात है। हमारी जो नागरिकता होने की वजह से हमें जो अधिकार मिलते हैं, और जिन अधिकारों को संविधान ये कहता है कि सरकार उन नागरिकों उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, उन अधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है, और पिछले 2 महीने से हो रहा है, और कोई कुछ कह नहीं रहा, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और कोई कुछ कह नहीं रहा है। मुझे उस बात पे बड़ी, तो मैंने शुरुआत में तो बड़ी हाथ पैर मारे कि चलो कुछ करते हैं, इधर फेसबुक पे वगैरह पे पोस्ट वगैरह करी, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार शुरुआत तो करते ही हैं, भले ही अकेले करें तो हो सकता है कुछ और लोग शामिल हो जाएं, और बेशक कुछ और लोग भी आए हैं। मेरे एक मित्र हैं मोहन, वो मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ और लोग मेरे जो LLB के साथी हैं वो जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेला हूँ। अभी फ़िलहाल LLB कर रहे हैं, मैं कर चुका हूँ, मैं वकील हूँ, और ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल मैं अभी दिखने में तो अकेला हूँ, लेकिन अभी और लोग जुड़ रहे हैं, वो अपने काम धंधे में व्यस्त रहते हैं, तो अभी 1-2 घंटे में साथ जुड़ेंगे, तो मुझे यकीन है और लोग भी आपके माध्यम से भी हमें देखेंगे और जंतर मंतर पे आएंगे। अच्छा, पूछना चाहूँगा, क्या लगा आपको? दर्द देखा जाए तो बहुत सारे लोग आए, बात करके चले गए, 1 दिन 2 घंटे 4 घंटे इन चीज़ों पर, NRC पर, NRC को लेकर यहाँ आसाम से भी लोग आए, 1 दिन से ज़्यादा नहीं टिके, अब 4 दिन हो गए, क्या लगता है आपके पास कोई, आपने मैसेज दिया सरकार को,
कोई भिजवाया अपना अभी तक? अभी तक तो कोई मैसेज देखिए मैसेज तो क्या है, सरकार यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस लगातार घूम रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो मैं लेके बैठा हूँ ये वहाँ तक MHA या जो भी अधिकारी या व्यवस्था है उस तक नहीं पहुँचा। तो मैसेज तो यहाँ बैठना ही अपने आप में एक मैसेज है। और दूसरी बात, मैं सॉरी, मैं आपका सवाल जो पहले आपने पूछा था वो मैं मिस कर रहा हूँ। पहले क्या पूछा था आपने? हाँ, दूसरी बात, मैं उनको दोष नहीं दूंगा। यहाँ पर इन्होंने जंतर मंतर पे एक बहुत ही विचित्र कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी हैं, जिसमें आप एक दिन से ज़्यादा प्रोटेस्ट करने को, मतलब ये परमिशन नहीं देते, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लड़ झगड़ के प्यार से तरीके से कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है जिसमें आपको बैठना, मतलब तो हो सकता है उन्होंने कोशिश करी उनको ना मिली हो। और दूसरी बात ये भी है कि कई बार क्या होता है कि, और ये सवाल मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप से पूछता रहता हूँ कि कोई बंदा किसी प्रोटेस्ट में क्यों जुड़ता है। ज़्यादातर कोई व्यक्ति इसलिए जुड़ता है क्योंकि जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है उससे वो डायरेक्टली इम्पैक्टेड है, उस कानून से, उस ऑर्डर से, उस एक्शन से उसकी ज़िंदगी पे कोई डायरेक्ट असर पड़ता है। लेकिन मेरी मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ, ये तो आपने बात बताई यहाँ की, आप वकील भी हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, कानून की आपको अच्छी तरह नॉलेज है? बहुत ज़्यादा, ठीक है, हाँ, मतलब आप वकील हैं, आप उस पेशे से जुड़े हुए हैं, सरकार को भी अच्छी तरह समझते होंगे, राजनीति भी अच्छी तरह जानते होंगे, पिछले 2 महीने में जो चीज़ें हुई हैं स्टेप बाय स्टेप, और जिसमें अब हमारे देश के गृह मंत्री बार बार बयान भी दे रहे हैं कि किसी भी जो ये शरणार्थी हैं, एक धर्म का नाम नहीं लेते, बाकी 3-4 धर्म का नाम भी लेते हैं, कि इनको तो हम नागरिकता देंगे, और इसमें बहुत हाई हल्ला मचा हुआ है, इस पर आप मुझे ये बताइए ये सरकार कर क्यों रही है? यहाँ से इनसे डर फैलता है, आपने देखा तीनों चीज़ आपने बताई, तीनों से डर फैला हुआ है, आसाम में डर फैला हुआ है, कश्मीर में डर फैला हुआ है, यहाँ तक कि कश्मीर के नेताओं में और जो नीचे वाला आपका PSA है उससे डर फैला हुआ है, तो इस पूरे पर आप क्या कहना चाहिए, पूरे प्रकरण पर? देखिए, सरकार के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि नागरिक उसके एक्शंस पे सवाल ना उठाए, और ये मैं सरकार की, मतलब एक तरीके से तो मैं इसकी, इस सरकार की दाद ही दूंगा कि दिस गवर्नमेंट नोज व्हाट आर दोज थिंग्स जहां पर हम इनको अलग कर सकते हैं। देखिए NRC में क्या हुआ है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर NRC में 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया, तो 3 करोड़ आसामी हैं, आसाम के लोग हैं, 3 करोड़ में से 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया है, तो बाकी 2 करोड़ 80 लाख लोग तो अलग हो गए ना, वो कह रहे हैं कि भैया मेरा नाम आ गया है NRC में, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों इन 19 लाख लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं? यहाँ पर बट गए, तो 19 लाख लोगों को सेग्रीगेट करना बड़ा आसान हो जाता है एक सरकार के लिए, और उसमें भी 19 लाख लोगों में वो लोग हैं जो ज़्यादातर मुस्लिम हैं या और किसी इस तरह की, उसमें 12-12.5 लाख हिंदू लोग हैं। हाँ, ठीक है, मैं मान गया, तो यहाँ पर और भी आसान हो गया कि 19 लाख में से 12.5 लोग कितने बचे 6 लाख, तो उन 6 लाख लोगों को अलग करके उन पर जो भी आपका मन करे, जिस तरीके का भी आपको कॉन्सेंट्रेशन में कैंप में डालना है या बंगाल की खाड़ी में फेंकना है या चंद्रयान में बिठा के चंद्रमा पे भेजना है, तो सरकार ये सब कर सकती है और उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि उन पर असर नहीं पड़ रहा। बड़ी बात बोल रही है, उन पर असर नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में क्या हो रहा है, जैसे कि आपने बोला पश्चिम बंगाल में और हर जगह पर अमित शाह जाकर 5 धर्मों का नाम बोलते हैं और 1 धर्म का नाम नहीं बोलते हैं, तो 5 धर्म के लोग तो अश्योर हो गए ना कि भाई अगर मेरे पास कानूनी कागजात सिटीजन होने के नहीं है तो भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कल की डेट में अगर इन 6 लाख या कितने भी लाख मुसलमानों पे अगर गाज गिरती भी है तो मुझे कोई, व्हाई शुड आई केयर, मुझे क्या। तो ये तरीके बड़े बहुत इस शातिरता के लिए तो मैं अमित शाह को और उनकी टीम को नंबर दूंगा कि वो जानते हैं कि किस तरीके से कदम उठ, अगर वो कोई ऐसा कदम उठा ले जिसमें सभी धर्मों के लोगों को फ़र्क पड़े वो बहुत मुश्किल होगा,
क्यों सारे खड़े हो जाएंगे भाई? वो एक एक तरह से सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि आधे एक तरफ कर दूं, वो आधे तो मेरे पक्ष में रहेंगे, आधे भी क्या, आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा 80% 80% एक तरफ और 20% एक तरफ कर देते हैं, 20% को, तो उनको संभालना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत ही इनोवेटिव गवर्नेंस का एक तरीका है इनका, जिसमें ये अपनी तरी अपनी जो आइडियोलॉजी, देखिए इनकी आइडियोलॉजी तो ज़्यादा छुपी नहीं है, तो अपनी आइडियोलॉजी को किस इफ़ेक्टिवनेस के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना है वो एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को मेरे ख्याल से अमित शाह भली भांति निभा रहे हैं। अब देखते हैं बाकी लोग इस चीज़ को। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें इंग्लैंड प्लेयर्स रेडी टू वॉक ऑफ ओवर रेसिस्ट चांट, तो अभी हाल कोई गेम शुरू होने वाले हैं मेरे ख्याल से यूरो 2020 के, तो उसमें इंग्लैंड की टीम ये कह रही है कि अगर हमारी टीम के एक या दो कैंडिडेट्स के खिलाफ भी, हमारे प्लेयर्स के खिलाफ भी अगर कोई रेसिस्ट गाली गलौज किसी कंट्री में होता है तो वी विल वॉक आउट, एंड आई कोट, इफ इट हैपन्स टू वन ऑफ अस इट हैपन्स टू ऑल ऑफ अस। ये रियलाइज करना इस देश के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है, उनको ये मानना पड़ेगा अगर 19 लाख लोगों पे कुछ हो रहा है, उनकी नागरिकता छीनी जा रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा है, तो इफ़ इट्स हैपनिंग टू देम इट्स हैपनिंग टू अस, भले ही डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि वो आपके भाई है, एग्जैक्टली आपके पड़ोसी है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा उनके तो लिए। इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अभी पता नहीं कितने जन्म लेने होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दो दिन में ही अगर हम इस लेवल पे पहुंच जाए तो शायद ये कानून, क्योंकि CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लोकसभा में तो पास हो गया है जहां पर BJP की ब्रूट मेजॉरिटी है, बट राज्यसभा में अभी पास नहीं हुआ है, तो अगर ऐसे पास हुए कि राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं था, लेकिन विपक्ष की नाकामी कहें या उनकी क्या कहते हैं कमजोरी कहें, वो बोल नहीं रहा। प्रिसाइसली द रीज़न कि मैं यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा अगले कुछ दिनों में, तो अगले कुछ दिनों में ऐसा हो, उससे पहले अगर कुछ 20 50 हज़ार 10,000 लोग अगर इकट्ठे हो गए, अगर उनको लग गया कि इफ़ इट्स हैपनिंग टू देम हु बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन देन माइन, irrespective of that fact, it is also happening to me, if they realize, अगर 10,000 लोग भी मान गए तो मुझे उम्मीद है कि ये सरकार इस कदम को, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास करने से थोड़ा घबराएगी, थोड़ा बात तो करेगी। बिल्कुल, NRC में अभी दिसंबर तक उनके पास टाइम है। मैं ये मानता हूँ कि ये सभी, अगर आपके माध्यम से मैं उन लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, तो मेरी उनसे अपील है कि देखिए ये जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल की लाइन में खड़ा होकर सरकार से या फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से अपनी नागरिकता की भीख मांगना, जो कि आपका अधिकार है, जन्म से ही आपका अधिकार है, ये आपकी इज्जत के लिए भी बहुत, मतलब इट्स डिसरिस्पेक्टफुल एंड यू शुड नॉट डू दैट। इंस्टेड यू शुड एक्सरसाइज योर राइट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, योर राइट टू प्रोटेस्ट, योर राइट टू रेज योर वॉइस। आप मना कर दीजिए, हम नहीं खड़े होंगे उस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, हमें नहीं अप्लाई करना, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बोलने की कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बोलने की कि हमारी अपनी नागरिकता प्रूव करो, सरकार से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि तुम्हारी ये हिम्मत हो कैसे गई, और अगर हो गई गलती से तुम इस वहम में आ गए तो इस वहम को सुधारो, इस NRC को रद्द करो, इट्स इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को, जिसको आप हमारे हमें बांटने के लिए यूज़ कर रहे हो, हिंदू को अलग, जैन को अलग, क्रिश्चियन को अलग, और आप एक मुसलमान को अलग कैटेगरी में खड़ा कर रहे हो, ये कहाँ, लाइक हिंदुस्तान का एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मत डिस्ट्रॉय करिए। देखो मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ़ के लिए, मैं क्या कहूँ कि ये अकेले बैठे यहाँ पर, और NRC पर मैं पिछले एक हफ्ते से खबर कर रहा हूँ, लेकिन उन सब से अलग हटके इनके विचार हैं, जो कहा है इन्होंने, जो वो शब्द कहे हैं उस पर ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं रिपीट करता हूँ कि सरकार की हिम्मत कैसे हुई नागरिक से पूछने की कि साबित करो कि आप हिंदुस्तानी हैं, आप भारतीय हैं या नहीं है, आपकी हिम्मत कैसे होगी, हमने आपको बनाया, आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप ठीक है, कुछ लोग अगर घुसपैठ करके आए हैं
तो उसके लिए आपने पहले से इतनी फोर्स वगैरह लगा रखी है, आप चेक कराइए। लेकिन आप ये क्या कि एक तरफा डिवाइड कर रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, NRC के नाम पर, NRC का एक सहारा लिया जा रहा है, तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। आप लोग इस पर क्या कहें कमेंट के रूप में बता सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा पिछली खबरों की तरह शेयर कर सकते हैं, क्योंकि NRC की खबर आपने बहुत अच्छी पसंद की है, तो उसे भी शेयर किया और इन भाई की आवाज़ हर घर तक पहुँचाएँ। और जो लोग दिल्ली के आसपास हैं, ये कहीं से भी हैं, जिनको मोहब्बत है इन भाई से, जैन साहब से, वो यहाँ आए, इनका साथ दें, इस इनके साथ बैठें और जाने, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और NRC पर बात कर सकते हैं हम आगे भी। तो आइए इनके साथ, यहीं जंतर मंतर पर मिलेंगे, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ कहाँ पर है।